एडी हेल्थ ने सीएचसी गोदना का किया औचक निरीक्षण। घिरौर के ग्राम गोदना सीएचसी का एडी हेल्थ ने किया निरीक्षण और वहां की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखा। भारत में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जानकर लोग इसे कोरोना का खतरनाक वेरिएंट बता रहे हैं। इस पर हमने आगरा एडी हेल्थ से जानना चाहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है। तो इस पर उन्होंने बताया कि विदेश से आने वाले लोगों के लिए चेक पॉइंट पर टेस्टिंग की जा रही है और उन लोगों का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास रहेगा। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चेक पॉइंट पर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। सर, जैसे कि आप यहाँ पर सर सीएससी का सर निरीक्षण करने आए हैं, तो सर आपको कुछ कमियाँ वगैरह दिखाई नजर आई सर आपको? अभी सीएससी नई है, ये बनाई गई है और बीएससी से इसमें शिफ्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है, तो अभी तो स्टार्टिंग फेज है, इन्फेंट्री स्टेज में कमियाँ होती हैं, धीरे धीरे ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब कुछ हम स्टाफ वहाँ बीएससी से शिफ्ट करेंगे, कुछ यहाँ जो कमी होगी, हमारे ट्रेनिंग के सिस्टम प्रोवाइडर भी हैं जो कि ये देख रहे हैं कि कितनी कमियाँ हैं और इनलिस्ट कर करके जो सामान लॉजिस्टिक चाहिए होगा सामान आ जाएगा। धीरे धीरे आने वाले टाइम में एक महीने से दो महीने के बीच में ये एस्टेब्लिश हो। अच्छा, जैसे कि भारत में नई कोरोना वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तैयारी की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अभी इनिशियल फेज में तैयारी ये है कि जो हमारे बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स हैं और जो सिटी उनके पास में है, जैसे कि मथुरा है, आगरा है, आगरा में फ्लाइट आती है, मथुरा दिल्ली के पास में है, वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगा दिए हम लोगों ने और वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ा दी गई हैं कि रिस्क वाले कंट्री से जो लोग आ रहे हैं, नॉन रिस्क वाले से, दोनों को अलग अलग गाइडलाइंस हैं। वहाँ पे हमारे सैंपल कलेक्शन करने वाली टीमें लगी हुई हैं। जो रिस्क वाली हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, वहाँ पे सारे लोगों का हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे, वहीं 6 घंटे बैठाएंगे, तब उसके बाद छोड़ेंगे। और जो नॉन रिस्क वाले हैं उनको फॉलो अप करेंगे, सबका फ़ोन नंबर रहेगा, उनको 8 दिन तक फॉलो करेंगे, 8वें दिन टेस्ट हो जाएगा, निगेटिव पाए जाएंगे। जब इस तरह की गाइडलाइन यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहली दिसंबर से लागू हो गई है।